हेलो स्टूडेंट्स, पीएचपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत। मैं हिमांग शर्मा, ग्रुप थ्योरी बीएससी फर्स्ट ईयर को लेकर फिर से वन ग्रुप थ्योरी के परमुटेशंस ग्रुप के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, परमुटेशंस ग्रुप होता क्या है ये सब देख चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में चर्चा कर चुके थे। ठीक है, और यहाँ पर ग्रुप थ्योरी किताब की परमुटेशंस ग्रुप के पेज नंबर 141 140 पर एग्जाम्पल नंबर 6 जो दिया हुआ है उसकी चर्चा आज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 तक की चर्चा अपन पहले लास्ट क्लास में कर चुके थे, अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 की चर्चा करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है ये देखना, पेज नंबर 140 पर आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 परमुटेशंस ग्रुप का। ठीक है, शो दैट द सेट ऑफ द परमुटेशन ए ए बी सी डी, ये अलग अलग कोई परमुटेशन दिए हुए हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये कोई चार परमुटेशंस दिए हुए हैं ऑफ द सेट, कौन से सेट में से है, ए बी सी और डी में से। ठीक है, फ्रॉम फॉर्म्स फॉर्म्स ए ग्रुप, फॉर्म्स ए ग्रुप फॉर द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। ठीक है, ये ग्रुप प्रूफ करना है किसको, ये चारों जो परमुटेशन दिए हुए उसको। ठीक है, अब ये परमुटेशन कौन से सेट में से दिए हुए ये देख लिया, परमुटेशन कौन से सेट में से दिए हुए। ठीक है, ए बी सी डी, तो ये परमुटेशन क्या के एलिमेंट्स क्या होंगे, ए बी सी डी, ये ए दिया है मतलब आइडेंटिटी परमुटेशन है, ए की इमेज ए है, बी की इमेज बी है, सी की इमेज सी है और डी की इमेज डी है। देखो यहां पर लेट लेट ए इक्वल टू एफ वन, ए बी दूसरा परमुटेशन जो दिया हुआ है उसको एफ टू, तीसरा परमुटेशन दिया है सी डी उसको एफ थ्री और चौथा परमुटेशन दिया है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी दो पक्षांतरण में तोड़ा है तो इसको एफ फोर ऐसा मान लेते हैं, लेट चारों को मान लिया। और जी कोई से ग्रुप क्या बन रहा है, इस परमुटेशन का कोई ग्रुप बन रहा है इस एफ वन एफ टू एफ थ्री और एफ फोर को लेकर, वो उनके प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन के लिए ग्रुप होगा, ये प्रूफ करना। ऑपरेशन क्या, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन मतलब ये क्या, एफ वन यहां पर एफ वन क्या है, एफ वन देखो एफ वन को परमुटेशन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए बी सी डी ए बी सी डी। ठीक है, एफ टू है, एफ टू को परमुटेशंस में लिखोगे तो क्या होगा, ए बी सी डी। ठीक है, ए की इमेज क्या क्या, बी और बी की इमेज ए, उसके बाद सी की इमेज सी और डी की इमेज डी। एफ थ्री यहाँ एफ थ्री क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी, एफ थ्री क्या सी डी, तो ये तो आइडेंटिटी होगी, सी की इमेज डी और डी की इमेज सी। और एफ फोर क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, देखो ए की इमेज बी और बी की इमेज ए, सी की इमेज डी और डी की इमेज सी। आगे बात समझ में, तो ये चारों परमुटेशन जो दिए हुए उसको अपन ने जो साइकिल्स के रूप में तोड़ के दिए हुए थे उनको परमुटेशन में लिख लिया। अब ये जो सेट बना रहा हूं जी, एफ वन एफ टू और एफ थ्री और एफ फोर, ये चारों परमुटेशन को लेकर वो प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन ऑपरेशन के साथ एक ग्रुप होगा, ये प्रूफ करना। अब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं कि हमें क्या करना होता है, चार प्रॉपर्टी, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स, ये प्रूफ करनी होती है। तो हम सबसे पहले, अब यहां पर मैंने अपन पहले एग्जाम्पल चैप्टर 1 में ग्रुप में अपन देख चुके थे ऐसा कुछ एग्जाम एफ वन एफ टू में आता है, तो अपन एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, टेबल के थ्रू देख लेते हैं कि सारी चीजें वहां पर प्रूफ हो रही है। तो टेबल बनाते, तो टेबल को बनाने के लिए क्या होता है, देखो यहां पर मैं एफ वन के साथ एफ टू का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब एफ वन आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी के साथ किसी और किसी भी परमुटेशन का मल्टीप्लीकेशन करवाऊं तो क्या मिलेगा, एफ टू ही मिलेगा। देखो यहां पर करके भी देख लेते हैं। ठीक है, एफ टू कैसे मिलेगा, देखो जैसे मैंने एफ वन लिखा, एफ वन क्या है ए बी सी डी,
ठीक है, ए बी सी और डी, फिर एफ टू ए बी सी डी बी ए सी डी आगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या करेंगे, पीछे से चलेंगे ए बी सी डी, ठीक है, ए की इमेज बी, बी की इमेज बी, बी की इमेज ए, ए की इमेज ए, सी की इमेज सी, अब यहां सी की इमेज सी, डी की इमेज डी, यहाँ डी की इमेज डी, तो ये वापस बी एफ टू के बराबर आ गया। तो एफ टू किसी भी आइडेंटिटी का किसी अन्य परमुटेशंस के साथ, आइडेंटिटी परमुटेशंस का अन्य परमुटेशंस के साथ मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं तो क्या मिलेगा, वो अन्य परमुटेशंस, ठीक है। तो देखो, तो आइडेंटिटी यहां पर क्या हो जाएगी, F1 क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी, दिखती हुई चीज है F1 आइडेंटिटी हो जाएगी। तो F1 into F2, ठीक है, बराबर F2, F1 into F3, बराबर F3, ठीक है, F1 into F4, बराबर F4। अब उल्टा भी कर लो, जैसे F2 into F1 करो तो भी F2 मिलेगा, ठीक है, F3 into F1 करो तो भी F3 मिलेगा, और F4 into F1 करो तो भी F4। आगे भी ऐसे बनो। अब देखो इसकी टेबल को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, टेबल को बनाते हैं। यहां पर टेबल क्या दिया हुआ है अपन को, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस को ओ से लिख देता हूं, ठीक है, टेबल बनाते हैं अपन, F1, F2, F3 और F4, F1, F2, F3 और F4, इस तरह मैंने टेबल बना दी। आ गया, तो देखो आइडेंटिटी का आइडेंटिटी F1 का F1 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो F1 ही मिलेगा, F1 का F2 के साथ तो मैंने कहा था किसी आइडेंटिटी का F2 ही मिलेगा, F1 का F3 के साथ तो F3 मिलेगा, F1 का F4 के साथ तो F4 मिलेगा, F2 का F1 के साथ, F2 का F1 के साथ करूंगा तो भी F2 ही मिलेगा, ठीक है, F3 का F1 के साथ तो यहां पर F3 ही मिलेगा, F4 का F1 के साथ तो यहां पर F4 मिलेगा, ये चीज तो समझ गए। अब दूसरी चीज आई, F2 का F2 के साथ, F2 का F2 के साथ, F2 मल्टीप्लाई F2, अब F2 जानते हो क्या होगा, F2 मल्टीप्लाई F2, F2 क्या दिया हुआ है, A, B, C और D, A की इमेज B दी हुई है, B की इमेज A दी हुई है और C, D ऐसे ही दी हुआ है, ठीक है, A, B, C, D, B, A, C, D, ये F2 दिया हुआ है, देखो यहाँ पर F2 दिया हुआ है, A, B, C, D, B, A, C, D, ठीक है, F2 ये दिया हुआ, अब F2 मल्टीप्लाई F2 करो तो क्या मिलेगा, पीछे से चलना, एक ही इमेज भी, ठीक है, यहां पर A, B, C, D लिख दो, ठीक है, एक ही इमेज, ये वाली जो पीछे वाली जो एलिमेंट्स हैं वो यहां पर लिखे जाते हैं, ठीक है, तो एक ही इमेज B, ठीक है, तो B की इमेज यहां दिखनी, B की इमेज A हो जाएगी, B की इमेज A या एक ही इमेज B हो जाएगी, C की इमेज C या C की इमेज D C हो जाएगी, D की इमेज D या D की इमेज D हो जाएगी, ठीक है, तो A B C D ये क्या मिल गया, F1, तो F2 into F2 क्या मिल गया, F1, ठीक है, अब F2 into F3 करना है, तो ये निकाल लें, F2 into F3, F2 into F3, अब F2 ये दिया हुआ है, F3 क्या दिया हुआ है, F3 आपको दिया हुआ है CD, इसका मतलब ये A B है और ये D C, ठीक है, F3 ये दिया हुआ, अब मल्टीप्लीकेशन करो A B C D, अब A की इमेज A, A की इमेज B, B की इमेज B, B की इमेज A, C की इमेज D, D की इमेज D और D की इमेज C, C की इमेज C, तो ये क्या हो गया F4 के बराबर, क्या हो गया F4 के बराबर, तो F2 into F3 क्या हो जाएगा F4 के बराबर, F2 into F3 F4 के बराबर, वैसे वैसे F2 into F4 करो वो किसके बराबर मिलेगा F3 के बराबर, आगे F3 into F2 करो, F3 into F2 करो तो ये किसके बराबर मिलेगा F4 के, आइडेंटिटी के अलावा जो बच रहा है वो लिखना, F3 into F3, F3 into F3 क्या करोगे सेम सेम का करोगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगी, सेम सेम का सेल्फ इनवर्स है, ठीक है, F3 का इनवर्स क्या है F3, ठीक है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, सब फंक्शन अपने आप में सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है इसका मतलब, ठीक है, F3 का इनवर्स, F3 का F4 के साथ करवाओगे, F3 का
F4 के साथ करवाओगे तो क्या होगा, F2 मिल जाएगा। ठीक है, F4 का F2 के साथ करवाओगे तो F3 मिल जाएगा, F4 का F3 के साथ करवाओगे F2 मिल जाएगा, और F4 का F4 के साथ करवाओगे तो F1 मिल जाएगा। आगे ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करवा के भी देख सकते हो, डायरेक्टली आप देखोगे कि F2 सेम टू सेम आएगा, सेम सेम का करोगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगी, और अलग अलग का करोगे तीसरा जो बच रहा है वो लिख देने का आइडेंटिटी के अलावा। ठीक है, F2 और F3 है तो F4 लिख देना, F2 और F4 है तो F3 लिख देना, वहां आइडेंटिटी नहीं लिखना। आगे बात समझ में, तो इस तरह ये टेबल आएगी। अब देखो यहां पर क्लोज्ड भी प्रूफ हो रहा है, इसमें कोई भी इस फंक्शन इस सेट के अलावा का कोई एलिमेंट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो ये क्लोज्ड हो रहा है। ठीक है, किसी भी किसी के साथ गुणा करवा रहे तो ये G1 क्लोज्ड हो रहा है। ठीक है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है। ठीक, उसके बाद G2 एसोसिएटिव होगा क्या, कोई तीन तीन ले लो, तीन तीन ले लो और एसोसिएटिव, तो ये एसोसिएटिव भी होगा। ठीक है, यहां कोई बाहर नहीं जा रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है। G3 आइडेंटिटी, आइडेंटिटी देख लो, आइडेंटिटी यहां पर क्या मिल रही है अपन को, F1, और F1 बिलोंग्स टू G हो रहा है, E बराबर F1 है तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट। ठीक है, इंप्लाइज आइडेंटिटी एग्जिस्ट, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद आइडेंटिटी के बाद यहां पर देखो तुम कि G4, जो G4 है, इनवर्स, इनवर्स की प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रत्येक का सेल्फ इनवर्स, देखो F1 का इनवर्स क्या हो रहा है, सेल्फ F1 है, F2 का, F2 में किसका मल्टीप्लाई कर रहा है, F2 आ रहा है तो F2 का इनवर्स सेल्फ F2 ही है, F3 का F3 है। ठीक है, और F4 का किसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे कि आइडेंटिटी मिल रही है, तो F4 का। ठीक है, तो प्रत्येक अपना सेल्फ इनवर्स, देखो यहाँ पर F1 का F1 के साथ तो F1 मिल रहा है, F2 का F2 के साथ तो F2 मिल रहा है, F3 के साथ तो F1 मिल रहा है, F4 का F1 के साथ तो F1 मिल रहा है। किसका कौन से फंक्शन के साथ गुणा करवा रहे कि आइडेंटिटी, यहाँ पर आइडेंटिटी क्या मिल रही है अपन को, F1 आइडेंटिटी F1 मिल रही है, तो किसका, देखो यहाँ पर F2 का F2 के साथ, F2 का F2 के साथ तो अपन को आइडेंटिटी मिल रही है, F3 का F3 के साथ तो F1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सारे आइडेंटिटी फंक्शंस मिल रहे हैं डायगोनल्स में। ठीक है, तो आ गई बात समझ में, तो ये सेल्फ इनवर्स एलिमेंट हो गए, चारों प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, जी इज ए ग्रुप। ठीक है, जी इज अ ग्रुप, ये परमुटेशंस को लेकर जो जी सेट बनाया है वो ग्रुप होगा। आगे बात समझ में, तो F1, F2 और F3 और F4 ये चारों को लेके चले थे और उसको ग्रुप प्रूफ करवा दिया। ठीक है, तो ये एग्जांपल यहां पर कंप्लीट होता है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उदयपुर BSC में आपकी BSC की में एग्जाम में पूछता है, अपने GGTU और MLSU दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट द सेट PN ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ डिग्री एन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन फैक्टोरियल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस। ठीक है, prove that the set of PN of all permutation of degree n, a group of order n factorial for the product of permutation, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई भी सेट है PN, ठीक है, वो किसका है, ऑल परमुटेशन n डिग्री के परमुटेशन जितने भी हैं उनका कोई सेट है, जितने भी n डिग्री के किसी सेट के n डिग्री के परमुटेशन का कोई सेट बना रहे तो ग्रुप का ऑर्डर n फैक्टोरियल होगा फॉर द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन, ऑपरेशन क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन के लिए, और उसका ऑर्डर क्या होगा उस सेट का उस ग्रुप, ठीक है, वो PN जो बन रहा है, PN ऑल परमुटेशन डिग्री n के सभी परमुटेशन का सेट बन रहा है उसका ऑर्डर क्या होगा n फैक्टोरियल, ये प्रूफ करना, और वो एक ग्रुप होगा। ठीक है, n फैक्टोरियल का ऑर्डर का एक ग्रुप होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं यहां पर लेट
एस इज इक्वल टू ए वन ए टू अप टू ए एन को एलिमेंट एन अवयवों को लेकर इज ए फाइनाइट सेट, इज ए फाइनाइट एस इज इक्वल टू इज ए फाइनाइट सेट एन अवयवों का, ठीक है, एन अवयवों का एक समुच्चय ले लिया एस। अब इसके क्रमचय बनाऊंगा एन डिग्री के क्रमचय, ठीक है, तो अतः एस का सो एस एस हैव एस हैव एवरी परमुटेशंस ऑफ डिग्री एन, ठीक है, एस का प्रत्येक प्रत्येक परमुटेशन एक्स का प्रत्येक परमुटेशन कितने डिग्री का होगा, एन डिग्री का, ठीक है, एन डिग्री का होगा। अब देखो यहां पर लेट, अब एन डिग्री के जो परमुटेशन हैं, मैंने मान लिया कोई एफ परमुटेशन बना एस से ए वन ए टू अप टू ए एन, ठीक है, इसकी इमेज क्या होगी बी वन बी टू ऐसा बी एन मान लिया, ठीक है, ऐसा कैसा कोई जी भी है कोई दो परमुटेशन, तो इसमें मान लिया कि बी वन बी टू अप टू बी एन, ठीक है, एन पर एन है, ठीक है, और इसकी इमेज हो रही है सी वन सी टू अप टू सी एन, ऐसी इमेज हो रही है, ठीक है, एन अशांक के दो क्रमचय मान लिए कि एफ और जी कोई है, ठीक है, अब चूंकि बी वन बी टू बी वन बी टू और बी एन है, ठीक है, और सी वन सी टू सी एन है, एस के एन अवयवों के विभिन्न विन्यास मात्र है, अतः जी के स्तंभों के अवयवों को बिना बदले, जी के स्तंभों के अवयव, स्तंभ का मतलब ये स्तंभों के अवयव को बिना बदले एस के अवयव को उसी क्रम में लिखते हैं ताकि एफ की दूसरी पंक्ति में आते हो, एफ की दूसरी पंक्ति में आते हो, क्योंकि देखो यहां पर जी इंटू एफ करेंगे अपन, जी इंटू एफ करते हैं तो अपन को क्या मिलेगा, जी पहले लिखोगे और एफ बाद में लिखोगे, एफ के फिर जी इंटू एफ ए वन ए टू अप टू ए एन मिल जाएगा, ठीक है, तो एफ को पीछे से देखेंगे तो ए वन की इमेज बी वन और बी वन यहां पर वापस बी वन की इमेज देखनी पड़ेगी, ए वन इसकी जो इमेज आ रही है उसकी इमेज देखते हैं, जी पहले लिखेंगे एफ पीछे लिखेंगे, पीछे से चलेंगे तो ए वन की इमेज बी वन और बी वन की इमेज यहां पर सी वन वापस मिल जाएगी अपन को, सी वन मिल जाएगी ना, तो बी वन की इमेज क्या हो जाएगी सी वन आ गया, तो ए वन सी वन ए टू सी टू अप टू सी एन, जी इन टू एफ क्या हो जाएगा ए वन ए वन की इमेज सी वन, ऐसा ये भी एन डिग्री का होगा ऑफ डिग्री एन, ये भी डिग्री एन का होगा, ठीक है, अब देखो पी एन कोई सेट होगा तो उसमें क्या होगा, पी एन बिलोंग्स टू जी, जी बिलोंग्स टू पी एन, जी बिलोंग्स टू पी एन, ठीक है, और एफ भी बिलोंग्स टू पी एन में है, इंप्लाइज जी इंटू एफ ऑल्सो बिलोंग्स टू पी एन, क्योंकि एन डिग्री का ही हो रहा है, जी इंटू एफ भी एन डिग्री का ही होगा, कोई जी एन डिग्री के दो परमुटेशन कर लिए और उन दोनों का प्रोडक्ट करवा दिया तो वो एन डिग्री का ही होगा, सो पी एन इज क्लोज, तो पहली जीवन जी वन तो प्रूफ होगी क्लोज, जीवन इज पी एन इज क्लोज, अब पी एन जो सेट बन रहा है वो इस परमुटेशन का सेट बन रहा है, जितने भी परमुटेशन एफ जी एच आई जे इस टाइप के कोई भी एन डिग्री का परमुटेशन बनाओ उनका सेट बना रहा हूं, उनका सेट बना रहा हूं, उसको ग्रुप प्रूफ कर दो तो वो ग्रुप का ऑर्डर भी वैसे भी एन फैक्टोरियल ही होगा, ठीक है, तो पी एन इज क्लोज प्रूफ कर दिया, क्लोज प्रूफ करने के बाद उसको एसोसिएटिव प्रूफ करो, तो एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए जी टू प्रूफ करने के लिए एसोसिएटिव, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन एफ ऐसे मान लिया, एफ की मान ली ए वन ए टू अप टू ए एन, उसकी बी वन बी टू बी एन हो गया, वैसे के वैसे जी मान लिया बी वन बी टू बी एन, इसकी इमेज सी वन सी टू सी एन होगी, ऐसे कैसे एच मान लिया सी वन सी टू सी एन, उसकी इमेज होगी डी वन डी टू डी एन, ठीक है, तो एफ जी और एच कोई एलिमेंट मान लिए पी एन में से, एफ बिलोंग्स टू पी एन बिलोंग्स टू पी एन और बिलोंग्स टू पी एन, तो क्या होता है ए स्टार बी स्टार सी बराबर बी स्टार ए स्टार बी स्टार सी के, ऐसा करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है, तो हम यहां क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एच इंटू जी करता हूं पीछे वाला, ठीक है, बी और सी यहां पर एफ एच इंटू जी करता हूं, तो एच और जी क्या होंगे एच इंटू जी करो, कोई भी तीन का आगे पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, एफ इंटू जी सी वन सी टू अप टू सी एन डी वन डी टू डी एन एच
और जी के मल्ट जी क्या होगा यहां पर, जी क्या है बी वन बी टू बी एन सी वन सी टू सी एन, ठीक है। तो एच इंटू बी क्या हो जाएगा, देखो पीछे वाला ऊपर लिखेंगे बी वन बी टू बी एन, अब देखो बी वन की इमेज सी वन, तो यहाँ सी वन की इमेज डी वन, ठीक है, यहाँ डी वन डी टू डी एन हो जाएगा, ठीक है। एच इंटू जी, अब एच इंटू जी इंटू एफ करो, ठीक है, एच इंटू जी इंटू एफ करो, एच इंटू जी इंटू एफ करो, तो ये हो गया एच इंटू जी, तो बी वन बी टू बी एन मिला, डी वन डी टू डी एन मिला, यहां पर ए वन ए टू ए एन बी वन बी टू बी एन, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए वन ए टू अप टू ए एन, और यहां पर क्या हो जाएगा ए वन की इमेज बी वन, तो बी वन की इमेज डी वन, ए वन की इमेज डी वन हो जाएगी, ए वन की इमेज बी वन तो बी वन की डी वन, ए टू की इमेज बी टू तो बी टू की डी टू, ठीक है, डी एन ये हो जाएगा। वैसे के वैसे अब क्या करेंगे, एच इंटू जी इंटू एफ करेंगे, ठीक है। तो जी इंटू एफ तो पहले ही निकाल चुके अपन, यहां देख लो जी इंटू एफ क्या है, जी इंटू एफ ये रहा ए वन सी वन ए टू बी सी टू ए टू ए एन सी एन, ठीक है। तो जी इंटू एफ तो पहले ही लिख दो, यहां पर पहले एच लिखेंगे, एच क्या है सी वन सी टू सी एन डी वन डी टू डी एन, और जी एफ की वैल्यू ए वन ए टू ए एन सी वन सी टू सी एन, ठीक है, पीछे से लिख दी सी वन जी एफ की, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं किया अपन, पहले कर चुके हैं क्लोज में, ठीक है, जी इंटू एफ ये कर दिया। तो यह क्या होगा ए वन ए टू अप टू ए एन, ए वन की इमेज सी वन, तो सी वन की इमेज डी वन हो जाएगा, डी टू हो जाएगा, डी एन हो जाएगा। तो एच एच जी इंटू एफ बराबर एच जी एफ के बराबर आ गया, ये देखो दोनों बराबर हो गए, तो एच जी एफ की वैल्यू एच जी एफ ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह मिल गया, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, जी इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रूफ हो गया। अब आइडेंटिटी प्रूफ करो, ठीक है, अब आइडेंटिटी फंक्शंस के लिए क्या करता हूं, जी थ्री आइडेंटिटी प्रूफ करवाता हूं। अब आइडेंटिटी क्या होती है, एफ बराबर खुद की इमेज खुद, खुद की इमेज खुद होती है, तो ए वन की इमेज ए वन ए टू की इमेज ए टू ऐसा, तो ये आइडेंटिटी उस सेट में। अब एन की है, ठीक है, एन ही है, तो आइडेंटिटी ई, तो ये एफ ई बराबर किसके होगा, ये, या फिर बी वन की इमेज बी वन बी टू की इमेज बी टू, वैसे के वैसे बी एन की इमेज बी एन, इस तरह, ठीक है, ये भी आइडेंटिटी कहलाएगी, एन ऑफ एफ सी वन सी टू ऐसा भी हो सकता है। तो एफ एफ मैं मान लेता हूं, लेट एफ कोई मान लेता हूं ए वन ए टू, ये आइडेंटिटी नहीं है, तो आइडेंटिटी के लिए क्या होता है, ए स्टार ई बराबर ए ई स्टार ए, ऐसा आ जाए, किसी परमुटेशंस को लेंगे और आइडेंटिटी के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन कराएंगे वापस वही। तो मैंने एफ का लिया, तो एफ इंटू ई करूं, तो एफ क्या है ए वन ए टू अप टू ए एन बी वन बी टू अप टू बी एन, इसके साथ आइडेंटिटी ए वन ए टू अप टू ए एन बी वन ए वन ए टू अप टू ए एन, आइडेंटिटी का मल्टीप्लीकेशन किया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वापस एफ मिल जाने चाहिए। तो यहां पर क्या होगा ए वन ए टू अप टू ए एन, ठीक है, ए वन की इमेज ए वन, यहाँ ए वन की इमेज बी वन हो जाएगी, ए टू की इमेज ए टू, ए टू की इमेज बी टू हो जाएगी, वैसे वैसे ए एन बी एन, तो वापस एफ मिल गया। तो एफ ई बराबर क्या मिल गया एफ, तो यहां पर चूंकि आइडेंटिटी ई बराबर ए वन ए टू और ए एन ए वन ए टू ए एन ऐसा मिल रहा है, एफ ई बराबर एफ के बराबर मिल रहा है, तो एफ ई बिलोंग्स टू पी एन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एन डिग्री का है, इसलिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट। आगे बात समझ में, अब आइडेंटिटी भी देखो, क्लोज्ड प्रूफ करवा दिया, इसको एसोसिएटिव प्रूफ करवा दिया, आइडेंटिटी प्रूफ करवा दी, अब क्या करेंगे जी फोर इनवर्स प्रूफ करवा दो, तो ये एन डिग्री का ग्रुप प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब इनवर्स, इनवर्स के लिए कोई एफ एलिमेंट लेता हूं प्रत्येक, ठीक है, एफ एलिमेंट ले लिया ए वन ए टू अप टू एन डिग्री का, ठीक है, बी वन बी टू ये एन डिग्री का जिसके, ठीक है, उसमें है। अब इसका इनवर्स, तो एफ का इनवर्स कैसे, किसी परमुटेशन का इनवर्स क्या होता है, इनवर्स बी वन उल्टा हो जाएगा, बी वन बी टू बी एन की इमेज क्या हो जाएगी ए वन ए टू ए एन,
आगे बात समझ में। देखो यहां पर बी वन की इमेज ए वन हो जाएगी, बी टू की इमेज ए टू हो जाएगी, ऐसा उल्टा हो जाएगा। बिलोंग्स टू, अब ये भी एन डिग्री का हो रहा है तो एफ वन भी पी एन में होगा। अब ये देखो एफ को पी एन में ले रहा हूं एन डिग्री का, तो ये भी एन डिग्री का ही हो रहा है एफ वन का। अब देखो एफ इनवर्स, अब ए स्टार ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, तो एफ इनवर्स का एफ के साथ मल्टीप्लीकेशन करवाओ, बी वन बी टू अप टू बी एन, ए वन ए टू ए एन। अब एफ क्या है यहां पर, ए वन ए टू ए एन और बी वन बी टू बी एन, एफ और एफ इनवर्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए। तो यहां देखो यहां पर क्या होगा, ए वन ए टू ऊपर वाली पीछे वाली जो ऊपर की लाइन होती है वही लिखनी है, फिर ए वन की इमेज बी वन, यहाँ बी वन की इमेज वापस ए वन, ए टू की इमेज बी टू, यहाँ बी टू की इमेज ए टू, ठीक है, वैसे बी एन ए एन सॉरी ए एन की इमेज बी एन, बी एन की इमेज ए एन हो जाएगी, ठीक है। तो ए वन ए टू ए एन, ए वन ए टू एन, वापस आइडेंटिटी मिल गया, ठीक है, आई ए के बराबर मिल गया आइडेंटिटी। तो एफ इनवर्स एफ बराबर क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया, इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बिलोंग्स टू पी एन, ठीक है। तो इनवर्स इंप्लाइज इनवर्स एग्जिस्ट, अब इनवर्स भी एग्जिस्ट हो गया, चारों प्रॉपर्टी जी वन जी टू जी थ्री यहां पर क्लोज हो गया, ठीक है, क्लोज हो गया, फिर एसोसिएटिव हो गया, फिर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई और इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, इंप्लाइज पी एन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन फैक्टोरियल, ठीक है, एन फैक्टोरियल का ग्रुप हो गया, एन फैक्टोरियल ऑर्डर का ग्रुप पी एन होगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इतना बड़ा भी है ये, सी पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहना और देख लेना ये, ठीक है। सबसे पहले अपन ने इसको ग्रुप सेट को माना, सेट को क्लोज प्रूफ करवाया, क्लोज के बाद एसोसिएटिव प्रूफ करवाया, एसोसिएटिव के बाद आइडेंटिटी प्रूफ करवाई, आइडेंटिटी के बाद इनवर्स प्रूफ करवाया और पी एन को ग्रुप एन फैक्टोरियल का ग्रुप प्रूफ किया। तो यहां पर जो हमने देखा तो एग्जाम्पल नंबर सिक्स और एट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, मोस्ट मोटे मोटे तौर पर अपन ने परमुटेशंस को यहाँ पर खत्म कर दिया है, ठीक है। आगे की क्लास में हम कोई नया चैप्टर लेकर डिस्कस करेंगे, परमुटेशंस में अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है जो अपने लिए सफिशियंट है, ठीक है। एक दो थ्योरम्स कुछ इंपॉर्टेंट होंगी तो मैं बता दूंगा, आप सेल्फ तरीके से उसको करना, ठीक है। अगला अपन अगली क्लास में अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, धन्यवाद।